नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं कस्बा बार में, जहां ये मैटरनिटी विंग है। महिलाओं की डिलीवरी के लिए ये मैटरनिटी विंग बनाया गया था, 3 मंजिले इमारत, लेकिन अंदर लाइट नहीं है और जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो मरीज आते हैं उनके साथ तीमारदार आते हैं, कितनी परेशानी में वो आज इस समय है, ये आप लोग साफ तौर पर इन्हीं लोगों ने जो बताया है उसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। पहले आप लोग आप कब आए थे अस्पताल? कल भी आए थे, कल भी दिक्कत थी मरीज को, सुबह पहुंच गए थे शाम के। तो यहाँ पे लाइट कब से नहीं आई? 3 दिन से नहीं आया, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ लगातार, मरीज को दिक्कत थे 3 दिन से, 3 दिन से आ रहा हूँ, 3 दिन से लाइट यहाँ पे लाइट जलती नहीं। तो डॉक्टर साहब से आपने कहा नहीं था लाइट नहीं? कह के आए वो, बोल रहे अभी शाम के मरीज आया था, शाम की तो जरूरी थी लाइट, अभी कहाँ से शुरुआत है। अभी यहाँ कब से लाइट नहीं है? अभी दिन भर से है, कल भी आए थे शाम के, कल भी नहीं थी लाइट, है ही नहीं यहाँ पे। हाँ लाइट ही नहीं है। मैडम खुद बैठी अगरबत्ती क्या मैडम कहेंगे हम का कर भी? हम कौन सुधार दे, डिलीवरी हो रही है, 3 बार फोन लगा लो, 3 बार कभी हो जाएगी, जाओ हो जाएगी जाओ। अभी मैडम अंधेरे में बैठ, कब से नहीं आ रही है? 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। आप यहाँ कब आई थी? सवेरे के बैठे मच्छर थी, हमारे मरीज को ना कल भी आए थे, मोमबत्ती से कहूँ डिलीवरी होती है। बोले ये यहाँ पे अंधेरा, आपने बोला नहीं डॉक्टर साहब से कि यहाँ लाइट नहीं है? बोले आए को नहीं सुन रहा, मोमबत्ती से डिलीवरी है। हाँ अब डिलीवरी नो मोमबत्ती घर रखें, बताओ। तो ये परिस्थितियां हैं इस बार अस्पताल की, जहां लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से यहां पर लाइट नहीं है और बिना लाइट के इलाज यहां पर चल रहा है। लगातार होती परेशानी और असुविधा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हमारा सरकार से है और ललितपुर जिले के CMO साहब से है। आखिर अगर इस अस्पताल में लाइट नहीं चलती है और बिना लाइट में अगर ये डिलीवरियों को इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? माननीय जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लें और तत्काल उचित कार्यवाही। डॉक्टर साहब, वहां पर 3 दिन से मैटरनिटी विंग में आपकी लाइट नहीं जल रही है, क्या समस्या है और इस पर कोई आप लोगों ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया अब तक? 4 दिन लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन जो है इसके लिए SDO साहब को सूचित किया गया था। हमारे अधीक्षक जो है डॉक्टर केतन साहब, उन्होंने सूचना दी थी तो उनका लाइनमैन कल आया था यहाँ पे और चेक करके चला गया था। अभी कुछ ग्राउंड फ्लोर में कुछ समस्या एकदम से अभी उत्पन्न हुई है, तो हमारा बिजली जो है वाला आदमी यहाँ चेक कर, कल से यहीं भी काम कर रहा था, तो अब देखते हैं दिखाते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम। वहाँ जो लोग हैं जो इस समय मैटरनिटी विंग में, वो जो तीमारदार हैं उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पर परेशानी हो, लाइट नहीं आ रही है। थी लेकिन कल जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो अभी जो है मैटरनिटी विंग में ग्राउंड फ्लोर पर लाइट अभी कुछ अभी एकदम समस्या फिर स्टार्ट हुई है, तो बात करते हैं लाइट मैन किसी बुलाते हैं, चेक करवाते हैं। मतलब पिछले 3 दिन से आपने चेक ही नहीं करवा पाया कि लाइट क्यों खराब है? नहीं बता तो रहे हैं आप, देखिए हमने SDO साहब को सूचना दी थी, पूरे वहाँ की लाइट ही नहीं खराब थी, यहाँ पूरे अस्पताल की लाइट खराब थी, ठीक है। तो उसके लिए SDO साहब ने यहाँ पे भिजवाया था और कल इनका लाइन में आया, चेक करके चला गया था। अगर अंधेरे के कारण कोई गलती होती है किसी डॉक्टर से या किसी और से, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार क्या, इसके जो है जो क्या कहते कमी है उसको पहले पूरी करेंगे, उसको SDO साहब जिम्मेदार होंगे अगर कोई कमी अगर होती है तो। अब इसके लिए मैं कैसे कह दूँ आपके SDO साहब जिम्मेदार होंगे, कैसे कौन जिम्मेदार होगा? अब भाई लाइट खराब है तो भाई उसको सही करवाने का हम लोग काम उसको।